हर दिन आपको लोगों का दुख सारा सुनना पड़ेगा। अगर आप लोगों को दुख सुन नहीं पाते हो ना, तो आप भी इस फील्ड में मत आओ। इस दिन में, इस फील्ड में हर दिन आपको नया स्नेह मिलेगा और हर दिन किसी ना किसी का दुख को सुनना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे सुनने वाली आदतें जो हैं आपको चल डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा फील हुआ कि पहला जब सिविल कोड में गया तो कोई मुझे सिखा नहीं रहा था भैया मेरे, तो इस बात के लिए मैं अपने पिताजी को मैंने कहा पापा मुझे कुछ सिखा नहीं रहा, कुछ सिखा नहीं रहा, मैं क्या करूँ, कैसे सीखूंगा, समझ नहीं आ रहा है। तो मैं एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, तो वकालत में एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, वो है ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ये स्किल्स आपको वहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम करने वाला है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वहाँ पे मैं चीज़ें क्या क्या हो रही है, लोग कैसे बात कर रहे हैं वहाँ पर, कौन क्या कैसे लिख रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, वकालत में किस तरह का आर्ग्यूमेंट हो रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे हो रहा है, वकील कैसे पेश हो रहे हैं, कैसे ड्रेसअप हो रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, जज कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और अदर जो है वहाँ पर इन्वायरमेंट कोर्ट का कैसा है, तो वो सारा चीज़ आपको कोई बताने नहीं आएगा, वो आपको देख के सुनकर के सादा समझना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स को मैंने वहाँ पर डेवलप किया, ये सारा चीज़ मैंने डेवलप करा। उसके बाद आपको भी ये चीज़ डेवलप करना पड़ेगा इस वकालत फील्ड में। तो जब मैं अपने अंदर का जो इस स्किल्स को डेवलप करने मैंने शुरू किया, तो वहाँ पर जो है हुआ क्या कि मैं जल्दी से चीज़ों को पकड़ने लगा, सीखने लगा। ओके, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे सीखने को मिली, ये हमको सीखने को मिला कि ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो है हमको यहाँ पे सीखने मिलेगा। दूसरा चीज़, उसके बाद मैंने फिर आया क्रिमिनल केस पर, सिविल केस मैंने करा, उसको सिविल केस मैंने उसका क्रिमिनल में आया, तो क्रिमिनल में जो है आप मुझे चार्जशीट, मुझे FIR चार्जशीट, उस सारा चीज़ का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देखने मिला। हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो सिर्फ बता रहे हैं आपको, वकालत में किताब में कुछ भी नहीं रखा है भैया। अगर आपको सच में, आपको प्रैक्टिस फील्ड में अगर आपको सच में कोई चीज़ को समझना है, तो उस सारे डॉक्यूमेंट को आपको अपने हाथ में पकड़ पकड़ के उस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा कि FIR का फॉर्मेट ऐसा होता है, ठीक है, चार्जशीट का फॉर्मेट ऐसा होता है, कंप्लेन केस ऐसा होता है, बेल पिटीशन का ड्राफ्टिंग ऐसा होता है। तो सारे चीज़ को मैंने फिजिकली अपने हाथों से देखा कि भैया इस तरह से लिखाता है, और लोग किताबी दुनिया अलग होती है, और ये सारी चीज़ को प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो वो सारा चीज़ करके PDF बना बना करके, फोटो कॉपी बना बना करके मैं अपने फाइल एक बना लिया। अब मेरे एडवोकेट भी अच्छे थे, बीच बीच में मुझे पूछते थे, बताते थे, मुझे कोर्ट लेके जाते थे। तो इससे मेरा हुआ कि मेरे अंदर का जो बेसिक चीज़ ज़्यादा डेवलप हो गया, और यहाँ पे नेटवर्क बनाना इस मैंने स्टार्ट किया कि इन फ्यूचर में अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आऊँगा कभी प्रैक्टिस के लिए, तो नेटवर्क होना चाहिए। तो इस फील्ड में मैंने ये समझा कि सबसे ज़्यादा जो है आपको नेटवर्क बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका जान पहचान नहीं हो तो आप नहीं कमाओगे, आप चाहे कितने भी अच्छा वकील क्यों ना हो, जान पहचान नहीं है भैया तुम नहीं कमाओगे, 0 पैसा लेके जाओगे, कुछ भी नहीं होगा, समझे। तो इंटर्नशिप में मुझे हर दिन 100 रुपया मिल जाता था, तो मुझे बहुत खुशी होता था दोस्त। तो वो हमको 100 रुपया हर दिन मिलता था, अब मैं हर दिन कुछ ना कुछ खाता था। ये तो ये चीज़ है, आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट से अवेयर होना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात जानो कि भैया कि ये डॉक्यूमेंट होते क्या है सब चीज़। तो सारा मैंने वकालतनामा अपने सब कुछ, अपना घर का जमीन का कागजात, सारा चीज़ को मैंने अपना घर से निकाला सब कुछ। तो जैसे अब मुझे लगा कि हाँ मैं एक वकील हूँ, अब मैं कुछ जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ कोर्ट आने के बाद, तो इसीलिए अपना घर का सारा जमीन का कागज वगैरह सब कुछ निकाले हुए सारा चीज़, तब उसके बाद मैंने सब कुछ जाना। तो आपको इंटर्नशिप करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। कॉलेज में तो सिर्फ थ्योरी पढ़ाया जाता है आपको, थ्योरी और कुछ भी नहीं, थ्योरी जो आप सीखोगे प्रैक्टिकल आप जब कोर्ट में जाओगे तब सीखोगे। तो अगर रियली में आपको कुछ सीखना है तो कोर्ट जाओ, प्रैक्टिस करो, तब सीखा। अब आता है इस दुनिया में कि हाँ मैंने सीखा भैया कि इंटर्नशिप में ये सारी चीज़ मैंने सीखा, और वहाँ पर सर्टिफिकेट भी मैं लिया, अवार्डेड किया, और ड्यूरिंग इंटर्नशिप आई डेडिकेट, बहुत ज़्यादा डेडिकेट था मैं सीखने के लिए। वहाँ पर सीखा, जान पहचान बनाया, और अच्छे से जान पहचान बनाया, वहाँ पर हमको किसी भी तरह कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं हुआ सीखने को लेकर के। ओके, पुलिस वाले से जान पहचान हुआ, वहाँ पे जो PP थे जो उससे पहचान पे, और हर विभाग में जाने लगे कि आप ऑफिस से भी आपको जानना पड़ेगा कि कौन ऑफिस कहाँ पर है, ठीक है। तो ये घूम घूम कर मैंने सीखा। तो भैया आपको भी एक जगह बैठ के सीखना नहीं है, वहाँ सिविल कोर्ट में हर जगह विजिट करो, कौन सा कोर्ट कहाँ पे, हर कोर्ट में गया मैंने, चीफ जस्टिस मतलब सेशन कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज उसका हो गया, उसके बाद अपना डालसा में गया, उसके बाद जेएम फर्स्ट क्लास, जेएम सेकंड क्लास, सारा कोर्ट मैंने विजिट किया, और सब कोर्ट में अलग अलग यूनिकनेस कोर्ट किस तरह से, वो सारा चीज़ मैंने देखा वहाँ पर, किस तरह से प्रोसीडिंग कैसा होता है, किस सारा मैंने देखा।